नमस्कार, मैं शिवांगी शर्मा, आप सभी का स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम हिस्ट्री ऑफ द डे में। कार्यक्रम शुरू करने से पहले मैं आप सभी से गुजारिश करूंगी कि हमारा चैनल IIMT मीडिया को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो के देखने के बाद इसे लाइक और शेयर जरूर करें। देश और दुनिया के इतिहास में 11 सितंबर के दिन कई घटनाएं दर्ज हैं, जिनमें से यह सभी प्रमुख हैं। 1893 में शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद ने कट्टरता, सहिष्णुता और सभी धर्मों में निहित सच्चाई पर ऐतिहासिक भाषण दिया था। 1895 में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, सामाजिक कार्यकर्ता एवं प्रसिद्ध गांधीवादी नेता विनोबा भावे का जन्म हुआ था। 1906 में महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में जारी अहिंसा आंदोलन को पहली बार सत्याग्रह का नाम दिया था। 1911 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भारत की ओर से पहला शतक जमाने वाले क्रिकेटर लाला अमरनाथ का जन्म आज ही के दिन हुआ था। 1990 में अमेरिकी नौसेना ने होंडुरास पर आक्रमण किया था। 1939 में इराक और सऊदी अरब ने जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा की थी। 1948 में पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना का निधन आज ही के दिन हुआ था। 1962 में आज ही के दिन मशहूर इंग्लिश रॉक बैंड द बीटल्स ने पहली बार एकल हिट एल्बम लव मी डू के गाने रिकॉर्ड किए थे। 2003 में आज ही के दिन स्वीडन की विदेश मंत्री एना लिंद की एक अस्पताल में मृत्यु हो गई थी। आज के इतिहास में सिर्फ इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे साक्षी निर्वाण के साथ, जो आपको कल के इतिहास के बारे में बताएंगे। धन्यवाद।